माइक की जरूरत नहीं, इतना जोर से है। दोस्तों, आपको एक महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारे नेता राहुल गांधी जी दो जगह से चुन के आए हैं, कानून के तहत उनको एक सीट वैकेट करना पड़ता है और एक सीट पे वो कंटिन्यू कर सकते हैं, और वो कल लास्ट डेट रहने की वजह से आज हम बैठ के सभी ने, पार्टी ने ये तय कर दिया कि राहुल गांधी जी अपना रायबरेली का सीट रखना चाहिए, क्योंकि रायबरेली ये पहले से भी उनके बहुत नज़दीक है। उस फैमिली के साथ बड़ा जुड़ाव है वहाँ से, और पीढ़ियों से वहाँ पर वो लड़ते आए हैं, इसीलिए वहाँ के लोगों का भी कहना है और पार्टी के लोगों का भी कहना है कि पार्टी के लिए ये अच्छा होगा कि रायबरेली सीट वो रिटेन करें। और इससे महत्वपूर्ण जो है, जो वायनाड सीट पे वो लड़े हैं, वहाँ के लोगों का प्यार भी उनको मिला है, वहाँ के लोग भी यही चाहते हैं कि राहुल जी वायनाड सीट पे वो रिटेन कर दे। लेकिन कानून क्या हो गया, कानून इसके लिए इजाज़त नहीं देती, इसीलिए वो बड़े दुख के साथ, बड़े सोच समझ के हमने ये तय करा कि वायनाड से खाली सीट पे प्रियंका जी लड़ना चाहिए, और इसीलिए हम पार्टी के ओर से और मेरे ओर से उनको धन्यवाद देता हूँ कि हमारी बात को उन्होंने रखी है और माना है दोनों ने। इसीलिए मैं आपके सामने आके डिक्लेयर कर रहा हूँ कि दोनों, एक तो रायबरेली सीट रहेगी और वायनाड में भी वो प्रियंका जी रहने से वहाँ के लोगों को भी एक हिम्मत मिलेगी कि राहुल गांधी जी यहाँ से छोड़े तो भी, वो छोड़े तो छोड़ के तो जाने वाले नहीं है, छोड़े तो भी प्रियंका जी एक, उन्होंने एक ये स्लोगन दिया है यूपी में, जब ये हाथरस का ये हादसा हुआ था तो उस वक्त उन्होंने कहा था, मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो वो लड़की लड़ सकती है वहाँ से। और हमारे पार्टी की तरफ से मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि बहुत कठिनाई में भी उन्होंने हमारा साथ दिया, और मैं बहुत ही उनका आभारी भी हूँ, क्योंकि उन्होंने इतनी कोशिश करके एक तो उत्तर प्रदेश में बहुत सी जीत दिलाई, दूसरे जगह जो हम खोए हुए सीट थे अमेठी, उसको पुनर्जीत उन्होंने किया, और राहुल जी के सीट पे भी उन्होंने बहुत मेहनत की और वो भी हमको जिताए। तो जीत बहुत उनके हाथ में है, इसीलिए ये दोनों काम हम करने जा रहे हैं, और आप सबको धन्यवाद, आपको बहुत धन्यवाद। अरे वो आगे की बात है, आज के दिन का ये निर्णय है, अगर ये मानने के बाद ही आगे का आएगा वो भी मैं बता दूंगा।
बट धमकी तो दी है, धमकी तो दी है कांग्रेस प्रेसिडेंट, तो धमकी तो दी है। हाँ जी, हाँ जी, नहीं मेरा मेरा वन मिनट सॉरी खत मेरा रायबरेली से और वायनाड से इमोशनल कनेक्शन है। पिछले 5 सालों में मैं वायनाड का एमपी था और वायनाड के सब लोगों ने, हर पार्टी के लोगों ने प्यार दिया, तो उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ और पूरी ज़िंदगी उसको याद रखूँगा। प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेगी मगर मैं भी पीरियोडिकली वायनाड जाऊँगा और जो वायदे हमने वायनाड को किए थे उनको हम पूरा करेंगे। रायबरेली का पुराना रिश्ता है, काफ़ी खुशी हो रही है कि मैं उनको फिर से रिप्रेजेंट करूँगा, मगर आसान निर्णय नहीं था, मुश्किल निर्णय था क्योंकि जुड़ाव दोनों के साथ है। सो आई हैव एन इमोशनल रिलेशनशिप विद बोथ रायबरेली एंड द पीपल ऑफ वायनाड एंड द लास्ट 5 years एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ वायनाड हैव बीन ए फैंटास्टिक एक्सपीरियंस, अ वेरी एंजॉयबल एक्सपीरियंस। द पीपल ऑफ वायनाड स्टूड विद मी, द पीपल ऑफ वायनाड gave me love and affection, every single person, regardless of party, they gave me support, love and affection, they gave me energy to fight in a very difficult time. So I will never forget that. I want everyone in Wayanad to know that Priyanka is going to fight the election in Wayanad, but I am going to be a frequent visitor to Wayanad and I am going to be available to the people of Wayanad, and the commitments that I have made, we will stand by them and we will try and deliver all those commitments. She's going to fight the election. I'm confident she's going to win the election and she's going to be a very good representative for the people of Wayanad. People of Wayanad can think about it like this. You have now 2 members of parliament. One is my sister and one is me. And my doors are always open for you throughout the rest of my life. And I love every single person in Wayanad. Thank you. बहुत खुश हूँ मैं। I'm very happy to be able to represent Wayanad. And all I'll say is that I won't let them feel his absence. As he said, he'll come many times with me. But I will work as hard and I will try my best to make everybody happy and to be a good representative. और रायबरेली के साथ तो मैं, मेरा बहुत ही पुराना रिश्ता भी है और 20 सालों से मैंने काम किया है दोनों रायबरेली और अमेठी में, तो वो रिश्ता तो कहीं मतलब किसी भी तरह से टूट नहीं सकता, उसको कायम रखने के लिए हम दोनों हैं। और भैया की मैं मदद रायबरेली में भी करूंगी और जैसे इन्होंने कहा हम दोनों रायबरेली में भी हम दोनों मौजूद होंगे और वायनाड में भी। दोनों को 2 सांसद मिल रहे हैं, सिंपल सी बात है। हर राजनेता चुनाव में जाना चाहता है, पहली बार चुनाव में जा रही है, क्या कहेंगे इस बारे में, किस तरह की आपकी जो इस समय भावना है? And are you nervous? Not at all. I'm not nervous at all. राय मैंने भाई को दे दी है। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अरे जल्दी करूँगा। She says. Okay.